तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फॉर सपोज आपका अब्सकॉन्डिंग हुआ, या आप किसी कंपनी से अब्सकॉन्ड हुए हो, या आप किसी कंपनी से टर्मिनेट हुए हो, तो उस केस में आपका फ्यूचर क्या इम्पैक्ट करेगा, फ्यूचर में क्या इशू हो सकते हैं। तो देखो, मैंने इस पे और भी एक दो वीडियोस बनाए हुए हैं, बट इस वीडियो में आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, आपका अब्सकॉन्डिंग हुआ है और आपका अगर टर्मिनेशन हुआ है तो आपको जॉब मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बट उसमें कुछ केसेस नहीं होने चाहिए किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए और कोई एक मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपका टर्मिनेशन या अब्सकॉन्डिंग हुआ है पॉस के केस में, थेफ्ट के केस में, या किसी FIR की वजह से अगर आपका हुआ है, तो आपको मिड लेवल में या MNCs कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में निकल आएगा। तो पॉस वगैरह का केस या सेक्सुअल हरासमेंट के केस आपके किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका जीरो टॉलरेंस होता है। तो वहाँ पे आप ये समझ लो 99.99% आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, एंड 0.1% के एक्सेप्शनल केस में आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो भी आप मान के चलो ना के बराबर। एंड मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी या मिड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक स्मॉल स्टार्टअप होते हैं, जो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनके पास क्या इतनी फंडिंग नहीं होती है और इतना स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो यस, स्टिल आपको एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल जाएगी जहाँ पे 100, 200 या 300, 400 एम्प्लॉय हैं, तो इस वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। तो अब्सकॉन्डिंग और टर्मिनेशन के बाद भी जॉब आप कर सकते हो। बट अगर आपका टर्मिनेशन किसी और रीजन से हुआ, आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, आपने कंपनी जाना छोड़ दिया, उस वजह से टर्मिनेशन अब्सकॉन्डिंग हुआ, तो उस केस में एक जस्टिफिकेशन के बाद आपको MNC में या मिड लेवल में भी जॉब मिल जाती है। बट ये केस थोड़े अलग होते हैं कि आपने रिजाइन डाला कंपनी में और आपने छोड़ दिया, उसके बाद कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया, या कोई और रीजन हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे केस नहीं होना चाहिए जिसमें आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सके। तो अगर लीगल एक्शन वाले केस हैं तो MNCs में आपको जॉब नहीं मिलेगी, और ऐसा अगर इस वजह से टर्मिनेट हुआ जिसमें लीगल एक्शन का कुछ नहीं आ रहा है, तो अब्सकॉन्डिंग या टर्मिनेशन के बाद भी आपको इजीली जॉब मिल जाती है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।